लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एम्बुलेंस के ड्राइवर सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तार की एम्बुलेंस का ड्राइवर सलीम गाजीपुर जिले का निवासी है। केस में पहले पकड़े गए मुख्तार के गुर्गे आनंद यादव ने सलीम का राज खुला था। सलीम का नाम केस में सामने आने के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस केस में फरार आरोपी मुजाहिद और शाहिद की तलाश में भी दबिश दे रही है। दोनों फरार आरोपियों पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आनंद से पूछताछ के आधार पर केस में कई और लोगों को नामजद किया गया था। केस में अब तक कुल 10 लोगों को नामजद किया जा चुका है। मुख्तार के गुर्गे आनंद, राजनाथ, डॉक्टर अलका और शेषनाथ राय को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। जनपद बाराबंकी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज 25,000 का इनामिया मोहम्मद सुहेब मुजाहिद, जो थाना घोसी जनपद मऊ का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही 25,000 रुपए का दूसरा इनामिया जो सलीम है, पुत्र बदरुद्दीन निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, वो एसटीएफ और कोतवाली पुलिस के संयुक्त टीम के आधार पर गिरफ्तारी उसकी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकरण में दिनांक 2 अप्रैल को मुकदमा लिखा गया था फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके आधार पर बहुत सारे तथ्य प्रकाश में आए, उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी तक इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अलका राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव और शेषनाथ, ये पूर्व में गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग मोहम्मद सोहेब मुजाहिद और सलीम, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, और अन्य लोग जो इसमें शामिल रहे हैं और अन्य जो इसके साथ ही रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।